हेलो दोस्तों, मैं अरुण जा फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा अभी IAS या गेट और SSC JEE इनमें से कौन सा आपके लिए बेटर है, अच्छा है, जो कि आप कम समय में निकाल सकते हैं और अपना फ्यूचर अच्छा बनाएंगे। तो दोस्तों, मैंने देखा है स्टूडेंट आजकल बहुत परेशान है। देखा जाए, आप बात करें अगर BTech और MTech स्टूडेंटों की, तो इनके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो मोस्टली निकलती हैं या आफ्टर BTech या जैसे BTech कंप्लीट हुआ या अपना MTech कंप्लीट हुआ, वैसे ही वो सोचते हैं कि चलो यार तैयारी कर लेते हैं गेट IAS की, चलो दिल्ली चलते हैं या कहीं और से चलते हैं उसकी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, चलो इसने एक साल तैयारी की, दो साल तैयारी की, बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली, उन्होंने भी 70-80 हज़ार रुपये फीस ले ली उन्होंने, और 7-8 महीने में कोर्स ख़त्म करा के छोड़ दिया। ठीक है, चलो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? फिर वो एक साल तैयारी करते हैं, कुछ फिर से कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ वहीं पर रह के तैयारी करते हैं उन्हीं के मटेरियल से, फिर कुछ नहीं हुआ। तो ये सिलसिला चलता रहता है और 3-4 साल बीत जाती हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद सोचते हैं चलो यार कोई लोकल कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, SSC JEE की तैयारी कर लेते हैं, ये सोचते हैं। तो ये लोग मोस्टली कौन सा फॉर्म डाल देते हैं, गेट या ES? मैं ये समझता हूँ कि आप पर डिपेंड करता है, आप पहले ये सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि आप क्या निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या आप गेट निकाल सकते हो, ES निकाल सकते हो अच्छे मार्क्स से? गेट नॉर्मली तो आप निकाल दोगे, लेकिन अगर 70-80 मार्क्स नहीं आए ना तो कुछ नहीं कर सकते हो यार, कुछ नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हें PSU मिलेगा, ना ही तुम्हारा कुछ IIT में सेलेक्ट होगा, तुम कुछ नहीं होने वाला यार, समझो इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में आप बिठा लो कि अगर आपको जॉब चाहिए तो बिल्कुल उसके प्रति लगना पड़ेगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आप सोचिए कि यार इसमें बहुत अच्छी रैंक आपको चाहिए, ठीक है? तो आपको मैं एक सलाह दूंगा, आप ये ना करके, ठीक है, जैसे मैंने इसमें देखा है BTech और MTech है, इसके अलावा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट भी है, ठीक है? तो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट जो होते हैं नॉर्मली JEE का फॉर्म डालते हैं, ठीक है, SSC JEE ये डालते हैं, और ये सिर्फ एक ही पर ज़्यादातर फोकस करते हैं, SSC JEE। इसका पे ग्रेड भी बहुत अच्छा है, ग्रेड पे भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है बाकी जॉब के अकॉर्डिंग JEE लेवल पे। और अगर BTech और MTech स्टूडेंट है तो आप अगर गेट ES डालते हैं तो थोड़ा सोच समझ के डालिएगा। दोस्तों, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि SSC JEE का फॉर्म ही डालें, इसमें आपके चांसेस हैं निकलने के, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट पता है, लेकिन SSC JEE एक ऐसा लेवल है जिसे आप एग्ज़ाम देकर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपको JEE के प्रिपरेशन के बारे में कि आप कैसे करें। दोस्तों देखिए, मैं गेट ES के बारे में तो आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि उसका जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट भी है और आपको उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। हाँ, अगर पहले आप ES की जगह SSC JEE निकाल लेते हैं, ठीक है, तो फिर आप उसके बारे में सोचिए कि चलो अब मैं यार गेट ES की तैयारी अच्छे से कर सकता हूँ। तो लेकिन आप अपना पहले टारगेट बनाएं SSC JEE निकालें, क्योंकि इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो दोस्तों आप SSC JEE की प्रिपरेशन करें, मैं आपको सलाह दूंगा। SSC JEE आपको पता है मोस्टली 3 ब्रांच से होता है, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी सिविल हो गया और मैकेनिकल हो गया, ठीक है? तो सिविल में मोस्टली सिविल ब्रांचेस, जैसे मैं आपको सिविल के बारे में बताऊं तो सिविल वाले डालते हैं, इसके साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी इक्विवेलेंट में इसमें भर देते हैं। इसी प्रकार से मैकेनिकल में भी कई सारे इक्विवेलेंट ब्रांचेस होती है, वो डाल देते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल की इक्विवेलेंट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसकी है इंस्ट्रूमेंटेशन भी, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी अप्लाई करते थे। दोस्तों ये पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल एक पोस्ट है, इसी प्रकार से सिविल एक पोस्ट है, इसी प्रकार से मैकेनिकल एक पोस्ट है। अब इस इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन भी अप्लाई करते हैं, बिकॉज इट इज़ एन इक्विवेलेंट एग्जाम, ओके? तो ये पोस्ट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल काम रहेगा, तो इसमें इक्विवेलेंट वाले ब्रांच वाले भी डाल सकते हैं इस फॉर्म को। तो अगर आप गेट ES की प्रिपरेशन करते हैं, इसी प्रकार से गेट में भी ऐसे ही है, ES में भी ऐसे ही है, गेट में भी कोई भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विस भी 3 मोस्टली ब्रांच हैं, इसमें ES है, ES में आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एंड मैकेनिकल, ओके? तो ये 4 ब्रांचों से आपका इंजीनियरिंग सर्विस का होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग है, सिविल है, मैकेनिकल है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी अप्लाई करते हैं, ओके? और भी कई सारी ब्रांचेज हैं जिसे जिसकी नॉलेज हो वो अप्लाई कर सकता है, ओके?
तो मैं यहाँ पे बताने वाला था कि अगर आप बीटेक एमटेक स्टूडेंट हो और आप मान लीजिए आपका एवरेज है 60-75% एवरेज है, ओके 60-70, तो इसका मतलब आप एवरेज स्टूडेंट हैं। और देखिए मैं ये समझता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट परसेंटेज से नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि वो डिपेंड करते हैं स्टूडेंट पर, वो अपने आप को कैसा कितना होशियार समझें या उन्हें उन्हें खुद ही पता होगा। जो एवरेज स्टूडेंट होंगे या जो होशियार होंगे उनके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे कैंपस में, उनका कहीं नाम भी होगा कि यार अच्छे मार्क्स आते हैं, यानी कि आप में रटने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, कंसेप्ट को पकड़ने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, तो यानी कि आप गेट AES के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके अबव देन 75% है, मेरा ऐसा मानना है, ओके अगर आपके 60-75% है तो आप एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हैं, इसके अकॉर्डिंग आप SSC JEE की तैयारी करिए। और अगर आप 75% से अबव भी आते हैं आपके और मान लीजिए आप तैयारी में लग जाते हैं, तो फिर भी आप, मैंने देखा है लोग बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं आजकल, बड़े टेंशन में रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, जाने क्या चल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं एक सलाह दूंगा कि यार तुम SSC JEE की ही तैयारी करो, इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, या इसके अलावा SSC JEE के अलावा JEE लेवल पे काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे UPPCL AE का एग्ज़ाम आता है, RVNL AE का एग्ज़ाम आता है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, DMRC निकलते हैं, दोस्तों इन्हें भरिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो कई सारे स्टूडेंट हैं जो एक साल मेडिसी कर रहे हैं या फिर अगला एक साल इंजीनियरिंग सर्किल ज्वाइन कर लिया है, और भी कोई, मैं किसी कोचिंग के बारे में नहीं कह रहा जनरली, लेकिन और भी कोचिंग ज्वाइन कर ली या कुछ ज्वाइन कर लिया, फिर आपने देखा यार 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं एक बैच में, ठीक है, और ना ही किसी का डाउट क्लियर हो पा रहा है ना ही कुछ, मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई, बिना डाउट के सेट पेपर एक टाइम पे लिमिट से नहीं लग पा रहे हैं, लग रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन सही से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन भी लगा रहे हैं तो उसकी भी प्रोसेस एक सही तरीके से नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सब प्रोसेस, मेरे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि बाहर से कोचिंग की तैयारी करके आए, जैसे डिप्लोमा होल्डर्स भी आ रहे हैं कई सारे पॉलिटेक्निक वाले जो कि बाहर से एक एक दो दो साल की तैयारी कराए तब भी उनका नहीं हुआ कुछ, क्योंकि बाहर जो कोचिंग में ले रहे हैं वो देखिए पॉलिटेक्निक की आपको पता है 35,000-40,000 रुपये तो आपकी फीस ही ले लेते हैं, 35,000-40,000 रुपये तो फीस ही ले रहे हैं इसकी डिप्लोमा होल्डर्स की SSC JEE की तैयारी कराने के लिए, और आपको पता है BTEC MTEC जो है GATE ES की प्रिपरेशन करते हैं तो 70-80,000 रुपये उनकी फीस लग जाती है, और फिर आपको पता है इतना खर्चा रहता है बाहर रहने का, तमाम चीज़ें हैं जो कि मेरी समझ से तो यार बाहर है, मुझे तो बड़ा सा अजीब फील होता है कि यार लड़के बाहर जा रहे हैं फिर भी कुछ क्यों नहीं हो पा रहा, लोग खुद ही समझें यार, तुम लोग खुद क्यों नहीं समझ रहे हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके मैं ये BTEC MTEC वालों को मेन सलाह दे रहा हूँ कि आपने अगर BTEC किया है तो आप खुद समझिए आप किस में बहुत अच्छे हैं, वो काम आप करिए, ना कि आपके दोस्त ने कहा कि चलो यार गेट की तैयारी AES के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप चले गए, कुछ नहीं होने वाला भाई, ऐसे टाइम निकल जाएगा, माँ बाप के पैसे बर्बाद करोगे, बहुत पैसा है तो कुछ बिजनेस डाल लो इससे अच्छा, ओके लेकिन देखिए जो मैं बात यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको तर्क की बात बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है आपने इंजीनियरिंग कर लिया है BTEC कर लिया है ठीक है बहुत अच्छी जॉब, क्योंकि इंजीनियरिंग करते समय तो सबको ये लगता है कि चलो यार बहुत बढ़िया है सब कुछ अच्छा है ठीक है, लेकिन आफ्टर BTEC दे कैन ईजली थिंक वॉट इज़ हैपनिंग विद देम, ओके सो करना क्या है आपको, अगर आपको लगता है कि यार ठीक है मेरा इंजीनियरिंग हो गया मैं GATE ES की तैयारी नहीं करता, तो भाई तू SSC JEE की तैयारी कर ले, UPPCL की तैयारी कर ले, DMRC की तैयारी कर ले, MP सब इंजीनियर जितने भी स्टेट के आते हैं वे वैकेंसीज निकलती रहती है, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे इतना डिफिकल्ट पेपर बिल्कुल नहीं आता, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन इज़ नॉट अ बिग टास्क इन दीस स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, ओके मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये अच्छे से इसमें लगे रहो, ये पोर्शन ऐसा है जिसमें आप कर सकते हो, इसके लिए मैं बता देता हूँ, जैसे MP सब इंजीनियर ठीक है, MP सब इंजीनियर के बाद DMRC LMRC एक दो साल में इसमें निकलती रहती, UPPCL UPRVUNL रेलवे इसमें वैकेंसी अभी आने वाले समय में आने वाली है अच्छी खासी, अभी तो नहीं निकली है, अभी दो साल पहले निकली थी, 14 में निकली थी 16 में निकली थी, अभी वैकेंसी नहीं आई है, अब फिर इसमें आने वाली है वैकेंसी, BSNL इनमें वैकेंसी निकलेगी, अभी GATO की गेट के थ्रू आप बताइए गेट के थ्रू निकलती है, अगर आपको लगता है कि नॉर्मल नंबर से आपका गेट निकल चुका है अभी ठीक है, या एक दो बार आपने दिया है ठीक है नॉर्मल 30-40 नंबर आ गए ठीक है फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो आप बिल्कुल SSC JEE की तैयारी में बिल्कुल लग जाओ ठीक है, आप ये आसानी से निकाल दोगे, अगर गेट में भी आपके 35-40 नंबर आ रहे तो ये तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इसमें आप लग गए तो ये सिलेक्शन हो जाएगा, बेसिक 52,000 तो बेसिक सैलरी है इसकी, काफ़ी अच्छी सैलरी है, जहां लोग 20-30 हज़ार की नौकरी के लिए घूम रहे हैं कि यार 20-30 हज़ार की लग जाए, जो कि GATE ES की तैयारी कर रहे हैं फिर PhD भी कर रहे हैं, ओके
इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। चलो यार आपका बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, पीएचडी भी कर रहे हो, पीएचडी करने के बाद भी यही सोच रहे हो कि यार नहीं एसएससी जेई मैं नहीं भरूंगा, अजीब सा लगता है थोड़ा, तब तक आपकी एज भी निकल जाएगी, इतना कुछ नहीं है ना। तो आपको खुद ही सोचना है करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। मैंने अपने कई सारे सीनियर को देखा है, बहुत परेशान हो रहा है। अभी मेरी बेसिकली जो मेरी कोचिंग है इंजीनियर्स पॉइंट से अभी काफ़ी सिलेक्शन हो रहे हैं इस बार, ठीक है, और उनकी प्रिपरेशन भी स्टूडेंट की इतनी बढ़िया हो रही है। पिछले बार भी 2-3 लड़कों के अच्छे सिलेक्शन हुए क्योंकि उनकी प्रिपरेशन के बेस पर एक साल में ही उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। कुछ बीटेक वाले स्टूडेंट थे, उसमें डिप्लोमा वाले भी थे, और भी है डीएमआरसी एलएमआरसी, एक एक स्टूडेंट आराम से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसमें लगे हुए हैं बिल्कुल एसएससी जेई, ठीक है, उनने टारगेट बना लिया। और ऐसा नहीं है डिप्लोमा होल्डर्स नहीं निकाल रहे, डिप्लोमा होल्डर्स भी काफ़ी निकाल रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आज के समय में डिप्लोमा होल्डर बीटेक वालों से ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा ब्रिलियंट है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर पढ़ता है, लेकिन बढ़िया पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है। बीटेक वाला क्या है, अगर मान लो गेट की कोचिंग करने गए, ईएसए के कंसेप्ट रटे जा रहे और बहुत सारा मटेरियल हो गया, उसी में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता, कुछ नहीं कर पाता, और एट द टाइम वो सोचता है कि यार निकल ही जाए। जब शुरू में वो जाता है तो सोचता है कि चलो यार गेट अच्छे नंबर लाऊंगा, 80 लाऊंगा, 90 लाऊंगा, ईएस में अच्छा फोड़ दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन एट द लास्ट टाइम वो सोचता है कि यार निकल ही जाए कैसे ना कैसे करके, जाने ऐसी क्यों फीलिंग मन के अंदर आ जाती है। इसलिए आती है कि मटेरियल इतना हो जाता है, रेगुलर टेस्ट सही से नहीं लग पाता। बड़ी बड़ी कोचिंगों ने तो अपना फीस ले ली 70-80 हज़ार, उन्हें मतलब नहीं है, एक बार में ले लिया, फिर बच्चों का डाउट क्लियर हो चाहे नहीं हो वो बात की बात है, ठीक है। उन्होंने तो अपनी अर्निंग कर ली, अच्छा करोड़ों रुपये छाप रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा सलाह दूंगा, जैसे मैं अपनी कोचिंग झांसी में चला रहा हूँ, झांसी में, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ। यार बिल्कुल लग जाओ तैयारी में, एसएससी जेई इज़ नॉट अ बिग टास्क, और लग जाओ अच्छे से। तो मैं अपनी कोचिंग के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। देखिए मेरी कोचिंग झांसी में है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आसानी से आ सकते हो। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कोचिंग आओ, आपको आसपास कोई कोचिंग हो, अच्छी कोचिंग हो, जहां आपको बेस्ट मटेरियल मिल सके, इससे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पर्टिकुलर सिलेबस जो एग्जाम में आ रहा है आजकल। देखिए जैसे मैं आपको एसएससी जेई के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां पे दूंगा। एसएससी जेई का जो एग्जाम है ये जो प्री और मेंस में बटा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको प्री पढ़ना है। प्री में आपका 100 नंबर और 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर होगा आपका जनरल एबिलिटी, ओके, जनरल एबिलिटी, और 100 नंबर होंगे आपके टेक्निकल के, ओके, टेक्निकल 3 ब्रांच हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, जैसा मैंने आपको बताया अभी, और जनरल एबिलिटी में आपको 50 और 50 मार्क्स की दो चीज़ें कवर करना है, 50-50 मार्क्स की दो चीज़ें कवर करना है। 50 मार्क्स में आपका आ गया जनरल अवेयरनेस, जिसे GK GS हम बोल देते हैं, और 50 मार्क्स में आ गया रीजनिंग मोस्टली आती है। लेकिन दोस्तों अब ये सिस्टम धीरे धीरे और भी चेंज होने वाला है। जैसे जनरल एबिलिटी में आपका मोस्टली GK GS जो आता था, अब इसमें क्या कर रहे हैं, जनरल नॉलेज कर रहे हैं, जनरल साइंस थोड़ा कम कर रहे हैं, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसमें करंट अफेयर और इकोनॉमी वाला सेक्शन आपको ज्यादा पढ़ना है। जो आने वाला एग्जाम है, जैसे अभी जो एसएससी जेई जनवरी में होने वाला है, अभी जिसकी डेट भी पोस्टपोन हो गई है, और भी अभी डेट्स हो सकता है बढ़ भी जाए क्योंकि UPPCL के भी बढ़ गई है, तो आपको ये अच्छे से कवर करना है दोस्तों, समझ में आ रही है ना बात। तो जनरल एबिलिटी वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, तो इसमें आपका करंट अफेयर, आप 7-8 महीने की करंट अफेयर पढ़ लें, जुलाई से करंट अफेयर पढ़ लें दिसंबर तक, सफिशियंट है, उसमें आपको काफ़ी कंसेप्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरी भी एक करंट अफेयर की शीट आ रही है, जो कि मार्केट में तो अभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं अपनी कोचिंग में दे रहा हूं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं उस पर करंट अफेयर की शीट आपको मेल कर दूंगा, उससे आप पढ़िए आसानी से। मेरी मेल आईडी है arun.jha91@gmail.com, ठीक है, arun.jha91@gmail.com, तो ये मेरी आईडी है, इस पर आप मुझे मेल करें, मैं आपको करंट अफेयर की शीट भी दे दूंगा, और मेरे सारे टेक्निकल नोट्स भी है जो कि आप जो को आपको परचेज करना होंगे, सीधी बात, ओके। तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा है मेंस, जो मेंस है, मेंस एग्जाम में इसमें जो आपका पेपर है ये 300 मार्क्स का है, कन्वेंशनल पेपर है, इसमें आपको पूरी थ्योरी लिखना पड़ेगी, 300 मार्क्स का है ये, तो इसमें आपको प्री और मेंस आपका निकालना, और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि ईएस में तो आपका इंटरव्यू भी है, अगर गेट भी अच्छे मार्क्स आते हैं तो इसके लिए, तो अगर आप अच्छे हैं, अगर INTN से या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है और 6% 70-80-90 तक मार्क्स हैं आपके, अच्छे परसेंटेज हैं, तो आपको लग सकता है कि यार आप गेट ईएस की प्रिपरेशन करें। देखिए मैं आपको डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार एक एवरेज स्टूडेंट और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में क्या खासियत है ना। जैसे आपके 75-80-85-90 मार्क्स आ रहे हैं किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप गेट ईएस अच्छे से निकाल दोगे।
एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल में फोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे लग रहा है एक दो तीन साल में कुछ नहीं हो रहा और आपके मार्क्स भी ऐसे ही थे 70-75 नंबर, तो यार मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप SSC JEE की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल लग जाइए। तो दोस्तों ये मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आजकल जो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हायर लेवल की स्टडी कर रहे हैं बट अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी दे आर नॉट अचीविंग देयर गोल। ओके, तो यहाँ पर गोल को अगर अचीव करना है और आपको मंशा है कि गवर्नमेंट, क्योंकि आजकल लोग चाह रहे हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब लगे, ठीक है, तो उन्हें SSC JEE या जो अभी मैंने ये बताया इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये लगभग इसी के पैरेलल में है, ठीक है, बिल्कुल SSC JEE का जो सिलेबस है वो इन्हीं के पैरेलल में है बिल्कुल। ओके, लेकिन अभी जो पिछले साल जो इसका सिलेबस था जो और अभी भी जो है उसके अकॉर्डिंग पेपर कुछ नहीं बना था, कुछ सेट पेपर में सिग्नल सिस्टम्स के क्वेश्चन आ गए थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसके क्वेश्चन आए थे, कम्युनिकेशन से भी कुछ क्वेश्चन डालिए थे कुछ सेटों में। ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आपको पूरा टेक्निकल रिलेवेंट टू द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑल्सो ये पूरा कवर करना है तो आसानी से निकाल लोगे। और दोस्तों इतना सिलेबस तो नहीं है लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो निकल ही जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसे लगे रहिए, बेटर होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन बस ये है कि आपको खुद सोचना है, किसी दोस्तों पर विश्वास नहीं करना है कि यार उसने कह दिया चलो इसकी तैयारी करते हैं तुम आप वहीं चले गए, ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं निकलता कंपटीशन। कंपटीशन निकालना है, उसके प्रति बिल्कुल लगना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, बट इट इज़ नॉट अ मोर। ओके, ये आसानी से निकाल सकते हो अगर इसमें लगे रहे। इसमें प्री करना है, मेंस देना है, सिलेक्शन, इसमें तो आप प्री देंगे मेंस देंगे उसके बाद भी भरोसा नहीं है, इंटरव्यू में आप बाहर, और उसमें भी समय लगेगा, ES के लिए भी काफ़ी समय है, ये आसानी से निकाल सकते हो, जॉब पा सकते हो। ओके, तो दोस्तों यही मेरा मतलब था इस वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।